हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विजय और आप देख रहे हो विजू मोटो ब्लॉग। सो हमने दीव में कविराज गेस्ट हाउस में रूम लिया था और आज दीव से निकलते सोमनाथ, सोमनाथ से चले जाएंगे हम गिरनार। तो आगे ओके, सोमनाथ 68 किलोमीटर है यहाँ से। अभी जहाँ से हम लोग दीव में चले गए थे सो वहाँ से ही रिटर्न अभी आना पड़ा हमें, क्योंकि वहाँ से ही हाईवे छोड़े थे हमने। अभी फिर से हाईवे पकड़े हैं तो हम लोग अभी यहाँ से सीधा पहुँच जाएंगे सोमनाथ। ब्रेकफास्ट के टाइम हमें एक क्यूट सी लड़की मिली जिसके साथ हमने फोटोज निकाले। उसको बहुत रिक्वेस्ट की एक्सप्रेशन के लिए बट वो कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ देख रही थी। बट सो क्यूट, बहुत अच्छा लगा उसके साथ फोटोज निकाल के। सो ब्रेकफास्ट करके हम लोग अभी यहाँ से मूव हो रहे हैं। एक छोटी बच्ची मिली थी हमें यहाँ पे, बहुत प्यारी थी, क्यूट सी। सो मैंने उसका वीडियो रिक्वेस्ट करके ले लिया बट मोमेंट्स नहीं कर रही थी बच्ची। सो ठीक है, अच्छा आया फिर भी। सो गाइस, ये होटल है, होटल अजनी सोमनाथ रोड पे। तो यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे। बढ़िया, सो लेट्स गो। आलू पोहा लिया था, आलू पोहा में शक्कर, बहुत शक्कर थी उसमें। सो मराठी माणूस म्हटलं की तिखट लागतं, थोडंसं गोड नाही सहन होत जास्त। पराठा चांगला होता, एक आलू पराठा लिया हमने तो वो बढ़िया था। और गाठिया लिया था, गाठिया कड़ी, तो गाठिया कड़ी भी ब्यूटीफुल। रिवर यहाँ पे, क्लीन वाटर। गाइस यहाँ पे देखो कैसे बुलेट में मॉडिफिकेशन किए है, और ये गाड़ी में पूरा पूरा डिस्टेंस में पूरे लोग भरे हैं। ये मॉडिफिकेशन बहुत बढ़िया है यार। सो गाइस वाह, चलो चलते हैं। भाई मिले सब्सक्राइबर, तो इन्हें मोटो ब्लॉगिंग बहुत ही पसंद है। तो ये लोग अभी हमें यहाँ पे क्रॉस करके आए उधर से, हम लोग यहाँ वॉशिंग के लिए रुके थे। तो भैया थैंक यू कर दो हमारे, चलो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट अस। हेलो सर, ये बच्चा है, रो रहा है। चलो ये सर, चलो थैंक यू, थैंक यू भाई। ट्रैवलिंग के लिए ये है, ऐसे गाड़ी है यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे सीन है यहाँ पे, बढ़िया है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर के पास में हम लोग अभी सोमनाथ दर्शन करने जाना है। अभी बाइक का देखते हैं कहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग में लगा के हम लोग सोमनाथ दर्शन करके निकल जाएंगे गिरना। यहाँ पे शायद बस स्टॉप है राइट में। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ गए हम लोग अभी। सो देखते हैं मन टेम्पल कहाँ पे है, पूछना पड़ेगा। सर टेम्पल किस साइड में? इसी साइड में, गाड़ी इधर ही जाना पड़ेगा, इधर जाएंगे अंदर। चलो थैंक यू सर। सो सर ने हमें हेल्प की सोमनाथ टेम्पल के लिए, राइट में जा सकते हो कहाँ है।
के हम लोग और पास जाएंगे ताकि जितना हो सके ये सामने रहा सोमनाथ टेंपल, ज्योतिर्लिंग टेंपल, सोम भोलेनाथ। हम लोग आ गए आपके दरबार में, तो हमें शरण दीजिए। गाड़ी कहाँ लगाएंगे? अभी पुलिस ने यहाँ पे लगा रखा है, पार्किंग का यहाँ पे सीन नहीं है, बट पार्किंग अंदर गाड़ी लेके जा सकते या नहीं जा सकते एक बार पूछ लेते। अपा गाड़ी आत नहीं चाहिए का विचार अंतर इधर नहीं ना, लोग बोले इधर, नहीं नहीं वो लोग आपके लोग बोले इधर, वो लोग बोले यहाँ जाके आओ। पुलिस स्टेशन में लगा दे, ये कैसे लगेज इधर ही छोड़ के, जैकेट वगैरह छोड़ के वो दर्शन लेके आना चाहते हैं हम लोग। एक दो घंटा लगेगा, पुलिस स्टेशन में पार्क कर दो। चलो सर, थैंक यू सो मच। टेम्पल सो भीड़ तो बहुत है, बाइक हमने पुलिस स्टेशन में पार्क की है बिकॉज सेफ्टी पर्पज। वो सर ने कहा हमें कि आप पुलिस स्टेशन में लगाओ लगेज रहने, तो हम सिर्फ ऐसे निकले हैं श्री के साथ। श्री के साथ जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। तो गाइस बहुत भीड़ है और मेरे पीछे है सोमनाथ टेम्पल, बहुत गर्म हो रहा है यहाँ पे। अभी अंदर शायद अलाउड नहीं किया है कैमरा मोबाइल वगैरह, तो आई थिंक यहाँ जमा करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे जमा करते हैं। सो रखेंगे यहाँ पे, मंदिर जाएंगे उसके बाद आएंगे। तो गाइस बने रहे हमारे साथ, माय नेम इज विजय और श्री। सोमनाथ दर्शन हो गए भाई लोग, बहुत गर्मी है, बहुत, आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पे पैरों में कुछ नहीं है, ऐसे ही नंगे पैर में आया था। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गाड़ी रखा हुआ है मेरा, और मंदिर के अंदर कैमरा इलेक्ट्रिक वस्तु कुछ भी अलाउड नहीं है, तो सारी चीज़ें बाहर ही छोड़ना पड़े मुझे। सो नाउ अभी हम बाहर निकल रहे हैं। अरे बाप रे, हालत भयानक है मेरा, अप्पा कहाँ गए पता नहीं। श्री श्री कहीं कहीं पे चले गए हैं, उनसे बात करेंगे अभी, फोन करता हूँ मैं उनको। गाड़ी निकाले अभी, ये देखो यहाँ पे सामने पुलिस स्टेशन। तो सर के रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी, तो अभी यहाँ से हम लोग सबको थैंक्स बोलते हुए निकल जाएंगे। पहले तो थोड़ा सा मना किया, सबने परमिशन दे दी, बट थैंक यू सो मच सोमनाथ पुलिस स्टेशन। चलो ये हेलो करके बाय करते हैं। उन्हें सच में बहुत अच्छा परमिशन दिया हमें, सारा लगेज हमारा के सब इसी काम था, तो निकल लिया था।